So hi, hello friends, welcome back to my channel Creative Villa. I hope all are doing good. तो आपने यहाँ पे लोटस का तो डिज़ाइन देखा ही होगा. तो हाँ, वैसे भी दिवाली की सीज़न है तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक लोटस का वॉल हैंगिंग बनाएं. जैसे कि आपको पता है अभी इस दिवाली द लोटस एक्रेलिक का जो डिज़ाइन है दैट इज़ टू मच ऑफ ट्रेंडिंग है ना. तो फिर तो वो थोड़ा कॉस्टली भी लगा मुझे बाहर. तो आई थॉट कि क्यों ना हम घर पे ट्राई करके देखें. वैसे भी मेरे पास भी पिंक कलर का ग्लिटर फॉर्म शीट था घर पे. तो आई थॉट कि हाँ चलो फिर विल मेक एट होम. तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्री हैंड लोटस बनाया है. तो यही सेम हमने पिंक कलर वो जो फॉर्म शीट है उसमें मैंने कट आउट कर लिया है जैसे कि आप देख सकते हो. तो हाँ, और फिर नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है चेन बॉल्स, गोल्ड चेन बॉल्स. तो ये तो मेरे पास ज्वेलरीज के पड़े हुए थे तो इसके वजह से अगर ये नहीं हो तो यू कैन जस्ट यूज़ अ गोल्डन कलर पेंट कलर ऑल्सो. तो हम अभी इसे चिपका लेंगे थोड़ा सा ग्लू की मदद से. यू कैन यूज़ फैब्रिक ग्लू, ग्लू गन या फिर फेविबॉन्ड. तो यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल तो यूज़ किया है फेविबॉन्ड, मेरे पास फैब्रिक ग्लू नहीं था तो मैंने फेविबॉन्ड यूज़ किया. तो हम फेविबॉन्ड से ये थोड़ा चिपका के, तो आप जस्ट देख लीजिए कैसे चिपकाते हैं. तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे चारों के चारों कंप्लीट कर लिया है. तो इसके बाद हमें जो चाहिए नीचे हैंगिंग चाहिए. तो मैंने सेम जो गोल्डन कलर का चेन था उसी को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कटिंग कर लिया है. कटिंग करके यहाँ पे हम पीछे से उसको चिपकाएंगे. सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो वॉल हैंगिंग है वो बिल्कुल तैयार है. DIY लोटस वॉल हैंगिंग बिल्कुल तैयार है. तो हम ये ऐसे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा. और इफ़ यू वांट, अगर टी लाइट कैंडल होल्डर्स हो तो वो भी हम यहाँ पे चिपका सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लू गन. तो मैंने वो भी किया है. तो चलिए देखिए. तो सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे टी लाइट भी लगा दिया है ग्लू गन की मदद से. चलो अभी ऑन करके भी देख लेते हैं. सो सी फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है. और मैंने ये मेरे वॉल पे भी लगाया है. मैं उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो था आप सबको बहुत ही यूज़फुल रहा होगा. सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, कमेंट. सो टिल देन, बाय बाय, हैप्पी दिवाली.